वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 का इफ्तिताह कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को 1100 मेगावाट बिजली दस्तियाब हो जाएगी। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 की ऑपरेशनल मुद्दत 60 साल है, जिसे 20 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। ये पावर प्लांट जदीद तरीन नौयत का जनरेशन 3 न्यूक्लियर प्लांट है, जो हिफाजत के जदीद तरीन इंतजाम से आरास्ता है। इसमें अंदरूनी और बैरूनी हादसात की रोकथाम और फौरी रद्द अमल की शानदार सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के जेर इंतजाम 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चल रहे हैं, जिनमें से 2 कराची में हैं, जबकि दीगर 4 प्लांट जिला मियांवाली में चश्मा के मकाम पर वाके हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्क में न्यूक्लियर प्लांट से बिजली की पैदावार 1400 मेगावाट है और K2 के बाद मजीद 1100 मेगावाट इजाफे से बिजली की पैदावार दुगनी हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान इफ्तिताही तकरीब में इस्लामाबाद से वर्चुअल शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें खुशी है कि 1100 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट न सिर्फ बिजली पैदा करेगा बल्कि क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। हमारे लिए ये इंतहाई अहम है कि हमारा मुल्क दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर है। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक को ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा खतरा है और इसकी वजह यह है कि हमारे ग्लेशियर्स पाकिस्तान के दरियाओं का 80% पानी फराहम करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस तेजी से आलमी दर्जे हरारत बढ़ रहा है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हो सकता है कि हमारी आने वाली नस्लों को पानी का बहुत बड़ा मसला हो जाए, क्योंकि हमारा मुल्क ज़राअत और फूड सिक्योरिटी पानी पर इन्हिसार करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पावर प्लांट से पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत की तरबियत हो रही है। इस अरसे के दौरान 40,000 चीनी यहां आते रहे हैं, लिहाजा इस पावर प्लांट से टेक्नोलॉजी का तबादला होगा, जिससे हमारे मुल्क को फायदा होगा।